हिस्पा कीट फसल की शुरुआती अवस्था में लगती है और ये कीट देखने में चमकीले नीले काले रंग का होता है, जिसके पीठ पर कांटे पाए जाते हैं। दरअसल ये कीट पत्तों की हरियाली को खा जाती है, जिससे पत्तियों पर उजली रेखाएं निकल आती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। हिस्पा कीट अगर अधिक संख्या में आपके खेत में दिखाई दे तो आपकी फसल को काफी हानि पहुंच सकता है। अब इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, ये जान लेते हैं। आमतौर पर कीटों की समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना होता है। जहां तक बात है हिस्पा कीट की, तो इसके प्रकोप से धान की फसल को बचाने के लिए पौध रोपण के पहले नर्सरी वाले पौध के ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों के ऊपरी सिरे को हटा देना चाहिए, ताकि हिस्पा कीट के अंडे आपके खेत तक न पहुंच सके। इसके अलावा हमारे किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में हिस्पा कीट से 10% से ज्यादा की क्षति हो रही है तो ट्राइजोफोस नाम की दवा का 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। एक अन्य कीट है ग्रास हॉपर, जिसे टिड्डा कीट भी कहते हैं। हरे पीले रंग के ये कीट 40 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं और इसके गर्दन पर काले रंग की तीन धारियां होती हैं। अगस्त से सितंबर में इस कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। इस कीट से बचाव के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे इसके अंडे खत्म हो जाएं, या फिर मेड़ की खुदाई एवं उसे नया कर देने से भी इसके अंडे खत्म हो जाते हैं।